असल एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं जा रही डॉक्टर पे और आज का अपॉइंटमेंट था मेरा आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पूछा मुझसे इंस्टाग्राम पे भी स्पेशली मैसेजेस आ रहे थे इसके अलावा मेरी डेली वीडियोस में भी पूछा जाता आप डॉक्टर पे गई हैं तो मैंने सेकेंड लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरा नेक्स्ट वीक का अपॉइंटमेंट है और हमारा वीक सैटरडे से स्टार्ट होता है तो आज का मेरा अपॉइंटमेंट है मैं डॉक्टर पर जा रही हूँ और जाके आप लोगों को बताऊँगी कि डॉक्टर ने क्या बोला और एक चीज़ ये कि काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि जिस सिचुएशन से आप गुजर रही हैं सेम इसी सिचुएशन से हम भी गुजर रहे हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि डॉक्टर ने आपको क्या रिकमेंड किया है क्या मेडिसिन दी हैं क्या कहा है ये एक्सेट्रा एक्सेट्राउ तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि गाइस मैं आप लोगों के साथ अपना मेकअप अपनी घर की चीज़ें अपना किचन अपना आ, कपड़े मैं जो पहन रही हूँ अपने जूते बैग तक बता सकती हूँ कि मैंने कहाँ से लिए हैं लेकिन मेडिसिन मैं रिकमेंड नहीं कर सकती किसी को क्योंकि सबकी बॉडी अलग है किसी को किसी कंपोनेंट से एलर्जी हो सकती है किसी को किसी मेडिसिन से रिएक्शन हो सकता है तो मैं आप लोगों से यही ज़रूर शेयर कर दूँगी कि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला है या क्या कहा है लेकिन मैं मेडिसिन का नाम या मेडिसन्स रिकमेंड नहीं करूँगी आपको कोई प्रॉब्लम है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए उससे कंसल्ट करना चाहिए उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे उसके प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिसिनस को यूज़ करके अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहिए ना कि ये जो मुझे है वो देखते हुए आप वो चीज़ें लेना शुरू कर दें वो आप लोगों के लिए डेंजरस हो सकती हैं और थोड़ी भी नहीं बहुत ज़्यादा तो इसलिए मेडिसिनस मैं शेयर नहीं करूँगी डॉक्टर ने जो बोला है वो ज़रूर मैं आप लोगों को बता दूंगी लेकिन मेडिसिनस का नाम या कुछ भी इन मत पूछेगा क्योंकि वो सेफ़ नहीं है तो आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आई लव यू गई सो मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है कि जो कि मैं अपनी बहन या अपनी दोस्त को भी रिकमेंड नहीं करती कि यार मैं ये खा रही हूँ तुम भी खा लो क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है तो इस चीज़ से मैं परहेज़ करती हूँ किसी को भी मेडिसिन रिकमेंड करना तो आप लोगों से एडवांस में ही माजरत है कि मुझसे प्लीज़ मत पूछिएगा कि डॉक्टर ने क्या मेडिसिन सी है ये बता दूंगी कि डॉक्टर ने कहा क्या है तो अभी डॉक्टर से होगी मुलाकात तो मेरे अभी उन्होंने ब्लड सैंपल लिए हैं टेस्ट करने के लिए कि पता चल जाए कि किस चीज़ की डिफिशेंसी है ज़्यादातर डॉक्टर ने भी यही बोला है कि वाइटमिन डी की कमी लग रही है और जो भी आप सिचुएशन बता रही हैं उससे यही लग रहा है कि आपको वीकनेस है आपका एज भी कम है तो वो अभी मैं अपना ब्लड सैंपल दे आई हूँ उसके रिपोर्ट मुझे कल मिलनी है और कल के बाद मुझे परसों जाना है डॉक्टर के पास तो अभी उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया सिर्फ उसने मेरे ब्लड सैंपल्स ले लिया और उसने बोला है कि आपके जब रिपोर्ट्स आएंगे तब वो मुझे प्रिस्क्राइब कर देंगे आ, कोई भी मेडिसिन जो मुझे सूट करेगी तो अभी मैं आ गई हूँ घर और क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी टेस्ट ले सकते हैं तो कभी कभार ऐसे टेस्ट भी होते हैं जो कि फ़ास्ट करके आपको जाना होता है खाली पेट जाना होता है तो इसलिए मैं सुबह कुछ भी नहीं खा के गई थी सिर्फ मैंने पानी पिया हुआ था और कुछ भी नहीं खाया हुआ था तो अभी मैं घर आई हूँ मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और आज मैंने खाना नहीं बनाया था दोपहर में क्योंकि टाइम ही ऐसा था सुबह का था अपॉइंटमेंट तो लंच नहीं बना आज घर पर तो मैं ये सैंडविच बनाया है और ये मेरे पास चिकन पड़ा था क्योंकि थर्जडे नाइट्स मैंने सैंडविचेस बनाए थे तो उसका लेफ्ट और मेरे पास चिकन पड़ा था उसके अंदर मैंने ऑलिव्स डाले हैं एल पिनस डाले हैं इसके अलावा मैं चीज़ इस पर ड्रजल कर दूँगी और जोमेटो केचप और थोड़ी सी मैनीस लगा के इसको मैं पैन में हल्का सा टोस्ट कर लूँगी तो ये एक अच्छा सा सैंडविच हो जाएगा जिससे मेरा पेट भर जाएगा और बहुत मजे के इस तरह के सैंडविचे आराम से घर में बन जाते हैं काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे कि रेसिपी शेयर करें क्योंकि मैं ज़्यादातर खाना हूं। मतलब बनाती हूँ मतलब डिशेस ज़्यादा बनाती हूँ स्नैक्स वाली चीज़ के अगर मैं कम जाती हूँ क्योंकि जब आपके घर में बच्चे होते हैं या लोग ज़्यादा होते हैं फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई करते हैं मैं थोड़ी चीज़ें कम ट्राई करती हूँ क्योंकि हस्बैंड का ज़्यादातर टाइम तो काम पर गुज़रता है तो उन्होंने घर आके स्नैक्स नहीं खाने होते उन्हें खाना चाहिए होता है इसलिए वो खाना ज़्यादा मैं बनाती हूँ और स्नैक्स uh, कभी कभार ही होता है जब हमारा मूड होता है तो हम खा लेते हैं यूज़ुअली हम बाहर जाके खा लेते हैं क्योंकि स्नैक्स बनाने में जितनी मेहनत लगती है ना उतनी मेहनत में आप दो तरह की बिरयानी बना सकते हैं दैट्स व आई थिंक लेकिन इन अभी रमज़ान सीरीज़ शुरू की है तो आप लोगों के साथ मैं काफ़ी चीज़ें शेयर करने सो so, अभी टाइम है डिनर की प्रिपरेशन करने का आज बनने वाली है मूंग दाल और रेड मसूर दाल को मिक्स करके मैं दाल बनाऊंगी और काफ़ी लोग मुझे मेरी वो किचन टूर की वीडियो देख के कह रहे हैं कि आपके पास ग्लास के जार है दाल दिख रही है कि कौन सी है मसाले भी ग्लास के बॉटल्स में हैं दिख रहे हैं कौन से हैं तो आपने इन पर लेबल्स क्यों लगाए हैं या ये तो एक स्टूपिडनेस है या बेवकूफ़ी है तो आ, उन लोगों को मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों लगाई ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए लगाया क्योंकि मेरा कभी प्लान बनता है कहीं जाने का या मेरा अनकरीब कुछ बन रहा है ऐसा प्लान जाने का तो उनको अगर घर पर कभी कुछ कुक करना पड़े क्योंकि उनको पता है कि कैसे कुकिंग करते हैं थोड़ी बहुत तो उनके लिए ईजी हो जाए कन्वीनियंट हो जाए मसाले ढूँढना दाल को देखना क्योंकि हम औरतों को तो हर चीज़ का पता है कि ये कौन सा मसाला है ये दार है या ये बाद खताई है या ये बढ़िया इलायची है या ये काला जीरा है या शाह जीरा है लेकिन आदमियों के लिए इन चीज़ों को डिफ्रेंश करना बहुत मुश्किल होता है तो लेबल सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड की कन्वीनियंस के लिए लगाए हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो बाद में कुछ ढूंढने में तो आई होप आप लोगों का आंसर मिल गया होगा क्योंकि हर चीज़ शो ऑफ के लिए नहीं हो काफ़ी दिनों से हम लोग खा रहे थे गोश्त चिकन मीट चिकन मीट यही चल रहा था अभी मैं ये सिंपल से दाल बनाई है मूंग मसूर की प्याज़ टमाटर डाला है अदरक लहसन नहीं डालती मैं इसमें और इसमें जाएगा नमक लाल मिर्च हल्दी सूखा धनिया सीरा और इसको मैं पानी डालकर प्रेशर कुकर में कुक कर लूँगी दस मिनट के लिए बस तो ये दाल हो जाएगी रेडी सो so, ये मैं ग्रोशी करने गई थी वहाँ से मैं फर्स्ट ब्राउनी मिक्स का इस ब्रांड का लेके आई थी डार्क चॉकलेट का बॉक्स लेके आई थी जिसमें सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हैं सिर्फ हमने इसमें तीन चीज़ें डालनी हैं और हमारी ये बहुत मज़े सी मज़े की फर्ज ब्राउनी घर पे तैयार हो इस बॉक्स में क्या क्या है कितनी रेशो है सारे इन्ग्रीडियंट्स इसके ऊपर मैंशन है बॉक्स के बैक पर इसकी पूरी रेसिपी प्रपरेशन मेथड Uh, तीन स्टेप्स में है जी मैंशनड है इसी को फॉलो करते हुए मैं भी ये बनाऊँगी अगर आपके पास घर पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जैसे इसमें मैदा जाता है कोको पाउडर होता है चॉकलेट होती है बटर जाता है अंडे मिल्क और इसके अलावा चीनी जाती है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा इसकी भी एक स्पेसिफिक एक uh, रेशो होती है हो जाती है तो आप घर में भी इसको और सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके बना सकते हैं मैं बॉक्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का दिल था कुछ ऐसा खाने का और मेरे हस्बैंड को फर्श ब्राउनी बहुत पसंद है आपने देखा होगा कि हम बाहर भी ज़्यादातर इसी तरह के डिज़र्ट्स खाते हैं तो मैंने सोचा क्योंकि आज घर में बनाई जाए आइस क्री, आइसक्रीम ऑलरेडी मेरे फ्रीज़र में पड़ी है तो मैं इस वर्ष ब्राउनी को बनाऊंगी बॉक्स की रेसिपी को फॉलो करते हुए और आइसक्रीम के साथ सर्व कर दूँगी उनको क्योंकि आज डिनर बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है दाल है और दाल के साथ मैं चावल भी नहीं बना रही मैं रोटी के साथ दाल रखूँगी पापड़ होंगे अचार होगा तो ये सिंपल सा डिनर होगा आज का हमारा तो आप लोगों के पास अब टाइम ना हो या बच्चे ज़िद कर रहे हो बच्चों के लिए कुछ बहुत ही जल्दी क्विक बनाना हो तो इस तरह की जो बॉक्स रेसिपीज़ होती हैं बहुत आपके लिए हेल्पफुल होती हैं कभी बहुत जल्दी में मेहमान आने वाले हैं एक फ़ोन कॉल आई है कि मेहमान आने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें करने से बेहतर है कि आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें घर में रखा करें जैसे मैं घर में गुलाब जामुन होते हैं ये ब्राउनी हो गई इसके अलावा रस मलाई हो गई इसके अलावा मैं बड़े दही बड़े बहुत जल्दी बन जाते हैं वो ऐसी चीज़ें मैं बहुत जल्दी बना कर रख लेती हूँ पास्ता एक बहुत जल्दी आपको एक बना के सर्व कर सकते हैं तो ये बॉक्स जो होते हैं हम ये हमेशा नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके इनक्रीज़ कर देते हैं लेकिन जब आपको जल्दी हो टाइम कम हो तब ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ रहती है तो घर में ला के रखें कभी जरूरत हो निकालें और फ़ौर से बना लें तो मैंने इसको निकाल लिया है अब बॉक्स पे जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन है जिसमें हमें चाहिए हैं हमें चाहिए है पानी चाहिए थ्री टेबल स्पून कुकिंग ऑयल चाहिए वन थर्ड एंड टू टेबल स्पून और दो अंडे चाहिए ये तीनों चीज़ें मैं निकाल ले लूँगी इसी रेशो में और इसमें ऐड कर दूँगी तो जल्दी से इसको ऐड करते हैं और इसको जो सारी गेम होती है ना बेकिंग की वो इसको मिक्स करने की होती है तो मेरे पास हैंड ब्लैंडर अभी स्टोर में पड़ा और बिल्कुल दिल नहीं अंदर जाऊँ उसको ले के तो मैं इसको हाथ से ही मिक्स करने वाली हूँ तो चलो जल्दी जल्दी से करते हैं इसको मिक्स और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि

ज ब्राउनी मिक्स का मिक्सचर हो गया है तैयार और दो तीन टिप्स देती जाती हैं आपको अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्राउनी बहुत ही मज़े की बने तो कभी भी जब भी आपने ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करना है या आपने हैंड बीटर यूज़ करना है या फोक यूज़ करना है आपने हमेशा स्पून को क्लॉकवाइज़ घुमाना है एंटी क्लॉक नहीं घुमाना क्लॉक घुमाना जैसे हमारी घड़ी की सूयाँ घूमती हैं एक दो तीन चार उस आपने उस तरह घुमाना है इसको नॉट लाइक बारह से आपने शुरू करना है और एक पे लेके जाना है ये एक बहुत बड़ी टिप है गाइज इसको फॉलो करेंगे आपके केक बहुत ही मजे के बनेंगे फूले हुए और कभी भी आपका बैटर नीचे नहीं बैठेगा तो ये एक टिप है जिसको आप नोट डाउन कर लें तो मैं ये फ्लैट डिश यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर डाल लूँगी तो ब्राउनी की जो थिकनेस मुझे चाहिए एक स्लाइस की वो उतना ही निकलेगा दूसरा पैन मेरा थोड़ा डीप है तो उसमें स्लाइसेस बहुत बड़े हो जाएंगे तो बस अब इसको इसमें डाल के मैं इसको टैप करूँगी ताकि इसके एयर बबल्स निकल जाए दूसरी तरफ मैंने पतीले में की बेस में नमक डालकर इसको गर्म होने के लिए अच्छे से रख दिया था आधा घंटा पहले आधे घंटे में ये पतीला बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ये सही उसी तरह काम करेगा जैसे आपका ओवन काम करता है मेरे पास जो ओवन है वो गैस है तो उसके अंदर मैं तिक, चिकन टिक्का या इस तरह के ब्रोस्ट बना लिया पिज़्ज़ा पास्ता बना लिया उसके लिए वो बेस्ट है लेकिन बेकिंग के लिए वो मुझे थोड़ा तेज़ लगता है वो इतनी जल्दी चीज़ों को पका देता है अंदर से कच्चा रख देता है या ऊपर का जो लेयर होती है वो बिल्कुल जल जाती है तो इसलिए मैंने केक या इस तरह की कोई ब्राउनी वगैरह बनानी हो मार्बल केक हो गया तो मैं पतीले में बनाती हूँ पतीला ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि इसमें चीज़ जलने का डर बिल्कुल भी नहीं होता तो बेस में मैंने नमक डाला उसके ऊपर मैंने एक स्टील का ट रख दी उसके ऊपर मैंने ये पैन को प्लेस कर दिया है अब इसको कवर कर देंगे और इसको थर्टी थर्टी फाइव मिनट्स के लिए मैं छोड़ दूंगी अब ये ब्राउनी आप देखें अच्छे से रेडी हो गई है यूजली केक्स में स्टिक आपकी बिल्कुल साफ़ निकलनी चाहिए लेकिन ब्राउनी के लिए इसको थोड़ा सा इसके ऊपर स्टिक होनी चाहिए क्योंकि ब्राउनी बहुत सॉफ़्ट बहुत गुई और बहुत ही ज़्यादा टेंडर होती है खाने में तो इस पर थोड़ी सी स्टिक पे जब लगेगी तो समझें आपकी ब्राउनी अब होगी रेडी अब आप देख सकते हैं इसमें कितना मज़े का क्रस्ट आया है जैसे पिक्चर बॉक्स पे मेंशन दिखाई भी है उन्होंने ये शो की भी है सेम वैसे ही ये बनी है ऊपर की क्रस्ट है नीचे क्लियर चॉकलेट का है और उससे नीचे की जो बेस है वो पूरी केक की है तो ये वो ब्राउनी होती है जो कि बहुत ही मज़े की कुई और खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो ये हो गई है रेडी एक स्लाइस मुझसे रिजिस्ट नहीं हुआ और ब्राउनी गर्म गर्म ही खाई जाती है तो थोड़ी सी मैं खा चुकी हूँ और अभी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जैसे ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी इसके स्लाइसिस करेंगे इसको बॉक्स में निकाल लेंगे और एयर टाइट बॉक्स में कवर करके रख देंगे तो ये ब्राउनी आज मैंने स्पेशल अपने हस्बैंड के लिए बनाई है क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं काम करते हैं तो कुछ ऐसी उनकी पसंद की चीज़ कभी बना ली जाए तो इंसान का मूड अच्छा हो जाता है और मेरे हस्बैंड मेरी स्ट्रेंथ है मैं आज मैं जो भी हूँ अपने हस्बैंड की वजह से हूँ अगर मुझे वो फ़ोर्स ना करते या मुझे पुश ना करते ये चैनल बनाने के लिए तो शायद आज भी मैं घर पे बैठ के सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही होती और टीवी या मूवीज ही देख रही होती जैसे मैं पहले करती थी और उनकी वजह से ही आज मैं जो हूँ उनकी वजह से सारा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है मेरी हस्बैंड जो है ना मेरी सुपर पावर है आ, मेरा चैनल चलाने में मुझे मोटिवेट रखने में मुझे हिम्मत देने में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया है Uh, दो उनको मेरे चैनल से कोई भी फ़ायदा नहीं है लेकिन स्टिल मैं इस चीज़ को इस काम को करके इतना खुश रहती हूँ इतना बिजी रहती हूँ कि वो मेरी खुशी में खुश हो जाते हैं तो जब हस्बैंड आपके लिए कुछ स्पेशल करते हैं तो आपको भी करना चाहिए तो दाल तो सिंपल सी बनाई आज लेकिन ये ब्राउनी जब उनको सर्व करूँगी आइसक्रीम के साथ तो मुझे पता है कि उनका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा तो अब मैंने ब्राउनी को कट कर लिया है क्योंकि राउंड पैन में बनाई थी तो शेप इक्वल आना मुश्किल था तो मैंने सबको अच्छे से काट के अभी मैंने इसको बॉक्स में प्लेस कर दिया है और जब आप इसको कवर कर देंगे तो ये दो दिन दिन तक इसी तरह ही रहेगी बहुत ही मज़े की ब्राउनी को थोड़ा गर्म खाया जाता है तो सर्व करने से पहले हल्का सा टेन सेकेंड्स के लिए आप इसको वॉम कर लें ओवन में और माइक्रोवेव में और उसके बाद इसको आप आइसक्रीम के साथ सर्व करें बहुत मज़े की लगती है तो ये हो गया ख़त्म दूसरी तरफ मेरी दाल भी रेडी हो चुकी है उसको भी तड़का लगाते हैं और इस काम को भी करते हैं ख़त्म तो दाल हो गई रेडी उसका तड़का लगा दिया है काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि मैं गरम मसाला कैसे बनाती हूँ घर में तो मैं शाही का गरम मसाला यूज़ करती हूँ जो लोग अरब में रहते हैं गल्फ़ में रहते हैं उनको पता होगा इस ब्रांड का ये बहुत अच्छा ब्रांड है दालों के लिए और मसालों के लिए तो शाही का गरम मसाला सेम वैसा ही टेस्ट करता है जैसा हम घर में बनाते हैं तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ जिस जो सारी चीज़ें डाल के मैं गरम मसाला बनाती हूँ सेम वही चीज़ें हैं इसमें इसमें मेस है स्टार अनीस है कोरिएंडर है क्लॉफ्स है ब्लैक पेपर है कार्डिमम है बे लीव्स हैं फैनल है कैसिया है, है और क्यों है तो so, अगर आप लोग अर्ब में रहते हैं तो आप लोग ये शाही का लाएं पैकेट और घर में बना लें जब ये मेरे पास नहीं ख़त्म होगा तो मैं आपको नया भी घर में बना के दिखा दूंगी सेम यही सारी चीज़ें जाती हैं और ट्रस्ट में गई इसका टेस्ट सेम वैसा ही होता है जैसा मैं घर में बनाती हूँ तो इतनी ज़्यादा टेंशन में पढ़ने अच्छा है आप ये पैकेट लाए यूज़ कर लें क्योंकि पहले मैं भी इसी तरह करती थी कि मैं अलग से सब चीज़ें लाती थी और बनाती थी लेकिन अब मेरे लिए बहुत आसानी हो गई इस पैकेट को यूज़ मैंने आपसे बात शेयर की कि मेरे हस्बैंड मेरी सुपर पावर हैं और हम सब के हस्बैंड हमारी पावर हैं वो हैं तो हम हैं उनके दम से ही हमारी ज़िंदगी में बहारे हैं तो अपने हस्बैंड का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करें उनके मूड को देखते हुए अपने मूड को चेंज कर लिया करें जब हस्बैंड खुश हैं तो आप अपने दिल की कोई भी बात मनवा लें जब हस्बैंड परेशान है या कोई उनका मूड खराब है तो कोशिश करें कि बच्चों के मसले घर के मसले बाहर के मसले डिस्कस ना करें तो ये एक छोटी सी टिप है हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए हस्बैंड के मूड के मुताबिक चलें तो वो आपके मूड का भी ख्याल रखेंगे तो ये था मेरा आज का ब्लॉग जिसमें मैंने शेयर किए आपसे कुछ दिल की बातें और आप लोगों के साथ मैंने कुछ दिल की बातें कर लेती तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता है आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा ये ब्राउनी कभी घर में बनाएँ और बच्चों को ज़रूर खिलाएं बच्चों की फेवरेट होती हैं ऐसी चीज़ें आप से लूँगी मैं कल दोबारा नए ब्लॉग के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें वीडियो का एक थम्सअप दे दीजिएगा टेक केयर अल्लाह हाफ़िज़ आई लव यू गाइस